जनपद में दिवाली पर्व को देखते हुए कोलकाता के कारीगरों द्वारा भगवान गणेश व माता लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि जनपद में दिवाली पर्व को देखते हुए कोलकाता से आए मूर्तिकार द्वारा भगवान गणेश व माता लक्ष्मी की मूर्ति को बनाया जा रहा है, जो कि लगभग बनकर तैयार हो गया है और मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। वहीं मूर्तियाँ 10,000 से 40,000 रुपये के बीच में बेची जा रही हैं। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए कोलकाता के मूर्तिकार बादल ने कहा कि हम लोग हर वर्ष गोरखपुर आते हैं और कम से कम 60 मूर्ति बनाते हैं, जिसको बनाने में एक महीना लगता है। इस समय मूर्तियों के अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस समय सबसे ज़्यादा माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की मुकुट वाली मूर्ति बिक रही है और इसमें सबसे ज़्यादा हाइट 10 फीट की है, जो कि 30,000 रुपये में बिक रही है। जितना हाइट ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा रेट है। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली में मूर्तियों की काफ़ी डिमांड है, हम लोग मूर्ति दे नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने 60 पीस मूर्ति बनाया है और सभी मूर्तियाँ बुक हो चुकी हैं, जिसको कल तक कंप्लीट करके देना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मूर्तिकार बादल ने कहा, मूर्ति बन रहा है टाइप, मतलब बहुत तरह तरह का मूर्ति बन रहा है, मुकुट का, साज का, तरह तरह का मूर्ति बन रहा है। सबसे ज्यादा कौन सा लोग पसंद आ रहा है? सबसे ज्यादा कौन सी बिक्री हो रही है? वही जो मुकुट का, साज का जो डिपेंड है वही ज्यादा बिक रही है। और हाइट की कितना? हाइट हमारे एकदम लमसम 10 फीट का है ऊंचाई बस। क्या रेट तक चल रहा है वो? मान के चलिए 8-10 हज़ार से चालू होता है, 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक खत्म हो जाता है। 40 हज़ार नहीं, वो 25-30 हज़ार तक, वो भी दो चार गुने चुने मूर्ति है, ज़्यादातर तो 8-10-12-15 का बीच में ही है। बिक्री के लोगे क्या है? बिक्री तो बहुत बहुत डिमांड है मूर्ति का, हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। कोविड का बाद इस साल डिमांड बहुत ज़्यादा है, मगर हम लोग काफ़ी बढ़ गया, मतलब अगले साल थोड़ा बहुत वो था, मगर इस साल डिमांड बहुत है, रेट उस तरह से नहीं मिल रहा है। हमारा पास जो है 60 पीस मूर्ति बना है, 60-62 लमसम, छोटा बड़ा लेके। क्या नाम है? बादल।